हेलो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में एचआर टैग और उससे रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं। तो मैं हूँ वेदांत और आप देख रहे हैं आरविस ट्यूटोरियल। तो बिना कोई देरी किए डायरेक्ट हमारे एचआर टैग को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एचआर टैग का सिंपल मीनिंग है या फिर सिंपल फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल रूलर। अब हॉरिजॉन्टल रूलर को हम एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं। अब एचआर टैग जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने की वजह से वो पूरी विड्थ एक्वायर करता है। इसलिए हम लोग एक लाइन में दो एचआर टैग यूज नहीं कर सकते। वो दोनों एचआर टैग को जब हम एक साथ यूज करेंगे तो फिर वो जो दो लाइन्स हम हॉरिजॉन्टल लाइन्स हमारे वेब पेज पे दिखेंगे वो एक अलग अलग लाइन्स में दिखेंगे। तो ये इफेक्ट पड़ेगा हमारा एचआर टैग ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने की वजह से। अब एचआर टैग हम क्यों यूज करते हैं? नॉर्मली हमारे जो वेब पेज में हम कंटेंट यूज करते हैं उन कंटेंट्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए हम एचआर टैग का यूज करते हैं। अब एचआर टैग का यूज हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल पैराग्राफ ले लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक सिंपल पैराग्राफ लिया है और इसके बाद मैं एक एचआर टैग ले लेता हूँ और एचआर टैग के बाद और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, जिससे आपको एचआर टैग का यूज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हम इसका आउटपुट देखते हैं तो वो आउटपुट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब जब हमारी बात एचआर टैग के एट्रीब्यूट्स पर आती है तो ग्लोबल एट्रीब्यूट छोड़ के हमारे एचआर टैग के कुछ पांच इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हमारे पास है। अब उन पांच इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला एट्रीब्यूट है साइज एट्रीब्यूट। अब साइज एट्रीब्यूट मैंने हम यहाँ पे पिक्सल्स में देते हैं। जब मैं यहाँ पे 50 पिक्सल हमारे एचआर टैग के साइज एट्रीब्यूट की वैल्यू देता हूँ तो आप आउटपुट में यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे एचआर टैग की जो विड्थ मतलब हाइट है वो हाइट यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। तो एचआर टैग का साइज एट्रीब्यूट हमारे जो हॉरिजॉन्टल रूलर है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी हाइट इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है। सिमिलर वे में जब हम एचआर टैग का विड्थ एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो विड्थ एट्रीब्यूट हमारे एचआर टैग की लेंथ स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है। अब लेंथ स्पेसिफाई करते समय मोस्ट ऑफ द टाइम हम परसेंटेज में वैल्यू देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 50% वैल्यू देंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा एचआर टैग जो है वो सिर्फ हमारे वेब पेज के 50% जो भी हमारे एरिया है उस 50% एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। अब एचआर टैग के हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है कलर। अब हम एचआर टैग का कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे कलर लेते हैं अब हम कलर की वैल्यू यहाँ पे एक तो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू या फिर आरजीबी वैल्यू या फिर हमारे किसी कलर का नाम देके भी हम यहाँ पे कलर ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हमारे जो एचआर टैग है उसका कलर रेड लूंगा। अब रेड लेने के बाद आप यहाँ पे आउटपुट में देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का जो कलर है वो रेड आ चुका है। अब एचआर टैग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट। अब अलाइन एट्रीब्यूट की हमने डिफॉल्ट वैल्यू देखी वो है सेंटर। यहाँ पे एचआर टैग की लेफ्ट सेंटर और राइट ये कॉमन जो हमारे वैल्यूज होते हैं वो वैल्यूज हमें एचआर टैग में देखने को मिलते हैं। अब जब हम यहाँ पे अलाइन लेके लेफ्ट ले लेते हैं तो वो हम डिफरेंस हमारे आउटपुट में देख पा रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे एचआर टैग का एक लास्ट जो कि इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है नो शेड। अब जब हम एचआर टैग में नो शेड एट्रीब्यूट ले लेते हैं, नो शेड एट्रीब्यूट की एक्चुअली एचआर टैग में कोई भी वैल्यू नहीं है। अब एचआर टैग का नो शेड एट्रीब्यूट लेने से आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन जब हमें साइज विड्थ कलर और अलाइन ये चार एट्रीब्यूट निकालते हैं और यहाँ पे एक एचआर लेके उसे नॉर्मल रखते हैं और सेकंड एचआर को नो शेड एट्रीब्यूट देते हैं तब आप यहाँ पे आउटपुट में डिफरेंस देख पा रहे होंगे। अगर हम इसको कंप्लीट जूम कर लेते हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आधी लाइन हमें एचआर के मतलब वो कलर दिखाता है और आधा लाइन उसकी शेडिंग या फिर शेडो हम उसे कह सकते हैं वो दिखाता है। लेकिन आप हम जब नो शेड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो शेडो या फिर उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मेटिंग है वो सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाती है और एक हमें सिंपल बोल्ड लाइन दिखती है।
तो दोस्तों ये था हमारा एचआर टैग। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको लगता है कि इस टैग को एक्सप्लेन करने की और ज़रूरत है, या फिर आपको प्रीवियस टैग में से कोई भी टैग समझ में नहीं आया, तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर आपको ज़रूर पर्सनली रिप्लाई करके उसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। That I didn't hit you back when you called my line. Who did you even need to talk? Are you